हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। देख सकते हो मैं हूँ आपका भाई SSG, और लेके आ गए हो फिर से एक न्यू वीडियो लेके। तो आज मैं खेल रहा हूँ भाई COC, क्योंकि भाई एक ही कारण है इसका, जो वार है भाई। पिछले एक दो वार मैं खेला हूँ, एक दो नहीं, ये लेकर कुल मिला के 3 हो गए। तो इधर पे वार लॉक पे देख सकते हो, ये एक सेकेंड वार लॉक भाई चला जा, ये देखो भाई ये जो दो देख सकते हो, एक सेकेंड ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला देख सकते हो, मैंने 15 किए थे। और इधर पे जो है ये वाला वार, ये वाला भी भाई सेम था। मतलब सेम का मतलब क्या है, सेम का मतलब है भाई एक मेरा टाउन हॉल 11 था, बाकी के बाकी चारों के चारों टाउन हॉल 9 से अटैक होगा, ठीक है भाई। टाउन हॉल 11 से अटैक करना तो भाई ईजी है, बट इधर पर मैं देख सकते हो 5 ही अटैक यूज़ किए और 15 स्टार्ट, ठीक है। तो इधर पे भाई मैं लास्ट से शुरू करूँगा, फास्ट तक दिखाऊँगा भाई कौन सा बेस है और कैसा कैसा मैंने अटैक किया, ठीक है। तो वीडियो विनो स्किप करके, क्या बोला कुछ समझ नहीं आया, वीडियो को बिना स्किप करके भाई लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यही मैं बोला भाई, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये देख सकते हो भाई ये रहा था बेस, जो कि भाई टाउन हॉल 9 पे बहुत ही, इधर पे जो दो दो एक्सपोज है भाई बहुत ही खतरनाक डैमेज देता है। और इधर पे भाई कभी भी भूल के भी अब एयर अटैक मत करना। अब इधर पे तुम बोलोगे भाई तूने तो किया, अगर मैंने किया तो इसका मतलब इधर पे कुछ था, ठीक है, जो कि भाई इसके बिल्ड मतलब बेस पे अवेलेबल नहीं है। तो भाई मैंने सोचा ये बेस भी भाई मैक्स आउट पूरा का पूरा नहीं है, ये भी भाई दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने किया एयर अटैक, लास्ट पे जाके फंसेगा, ठीक है। तो देख लेना, मैं 2x स्पीड पे करूँगा, नहीं तो बहुत ही धीमे धीमे चलता है ये अटैक। तो इधर पे देख सकते हो एक से भी और दो जो एयर डिफेंसेस को मैंने पूरा का पूरा टारगेट किया, कि भाई मेरे को ये तीनों चीज़ एक साथ लेना है, ऐसा वैसा जैसा भी हो जाए, ठीक है। अब बात क्या हुआ था कि ये वाला जो अकाउंट है ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का था, और उसके पास फ्री स्पेल के जगह अर्थक्वेक था। मैंने जैसे ही फ्रीज करने गया देखा कि भाई उधर पर अर्थक्वेक उठाया है सालों ने, तो हो गया भाई। एल तो वैसे भी लगने वाला था, मैंने जैसा कि बोला था दोनों एक दो भाई बहुत ही डेंजर है इस बेस पे, ठीक है, बहुत ही खतरनाक वाला डैमेज देता है। और देख भी सकते हो मेरा का पूरा जो था ड्रैगन भाई एक दो ही खा लेगा, ठीक है। ऐसा ही भाई इस बेस का कुछ डिज़ाइन आप बोल सकते हो, ऐसा ही भाई बनाया गया है इस बेस को ऐसा करके, कि अभी इतना खतरनाक वाला बेस है अगर ये मैक्स आउट हुआ तो। अब बात आता है भाई फोर्थ वाले बेस की। तो ये बेस इधर पे एयर अटैक आसान है, ऐसा नहीं बोलूँगा आसान नहीं है, पर थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो मैंने इधर पे बेसिकली किया है, मैंने ग्राउंड आर्मी, ठीक है, जो मैं करता हूँ वो विच वो वाला आर्मी भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और टाउन हॉल 9 पे अगर कोई भी मैक्स आउट बेस हो या जैसा भी बेस हो, अगर एक जगह पे ऐसे रहता है ना तो भाई ऐसे ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो इधर पे देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो पहले भाई, अब ये वाला अटैक ना जो है भाई बहुत लोग गलती करते थे, मतलब मैंने देखा मेरे देख देख के तो भाई क्लैनमेट भी करता है, नहीं कर पाता, क्योंकि भाई टीम ने कैसा है कि वो भाई सब विच को भाई एक साथ ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, थोड़ा साइड साइड पे ठीक से देना है, और जो फनलिंग है वो भाई साइड पे अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो बाकी कोलेम जो है वो भाई मिडिल पे जाना चाहिए, नहीं तो भाई पूरा का पूरा डिफेंस अगर उसके ऊपर लॉक नहीं होगा तो देख सकते हो भाई मेरा बॉलर का क्या हालत हुआ, एक भी बॉलर नहीं बचा बेस पे। अगर ये सही अटैक होता तो भाई बॉलर सबके सब बचा रहता, ठीक है। देख सकते हो भाई एक कोलेम के ऊपर पूरा का पूरा चीज़ भाई लॉक था, इसलिए भाई बच गया, नहीं तो भाई ये अटैक भी फेल हो जाता, ठीक है। तो मैंने एक फ्री स्पेल बचा लिया इधर पर, वो कोई बात नहीं। ये जो देख सकते हो भाई पांचों पूरा का पूरा मेरे ही ऊपर है, कि वो मेरे को ही करना होगा अटैक, ऐसा बात है, ठीक है। तो ये भी भाई सेम ही बेस लेआउट बोल सकते, थोड़ा ये भाई गैप वैप कुछ इन्होंने रखा है मेरे को पता नहीं, बट मैं देखूंगा 2x स्पीड पे। तो इधर पे भी मैंने सेम आर्मी यूज़ किया भाई गो विच, और मैंने साइड पर अच्छे खासा भाई फनलिंग, ये भाई मैं गलत नहीं करता, ये मैं अच्छे ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को करते करते आधा बॉलर पूरा का पूरा अंदर जाना चाहिए, ये वाले पे थोड़ा सा सही हुआ है, बॉलर पूरा का पूरा अंदर गया है। बॉलर अगर अंदर चला गया ना एक बार तो वो पीछे से इतना ज़्यादा मारेगा,
और मतलब गोलेम के ऊपर पूरा का पूरा जो डिफेंस है वो मैं मतलब लॉक हो जाएगा, और पीछे से भाई बॉलर बहुत तगड़ा वाला मारता है, बहुत ही तगड़ा वाला, वैसे वैसे नहीं बहुत तगड़ा वाला पीटता है, ठीक है। और इधर पे देखो भाई सीन देखो पूरा का पूरा, मतलब क्वीन 24 का क्वीन है, ठीक है, 15 का मतलब 15 का किंग था वो, तो भाई ऐसे ही क्वीन का देख सकते हो, मतलब ऐसे ही मारते मारते बच गया, क्योंकि क्वीन का एबिलिटी था, और जो ओपोनेंट का क्वीन था वो भाई मेरा क्वीन का जो आर्चर था ना उसके ऊपर लॉक था, इसलिए भाई बच गया मेरा क्वीन, नहीं तो पूरा पूरा बैंड बजा रहा था। अब आता है मेरा वाला बेस का अटैक जो कि भाई सोमिक है, वो मैंने पहले ही दिखा दिया, अगर आप लोगों ने पुराना वाला मेरा वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करना पुराना वाला वीडियो पे, भाई सब कुछ मैंने दिखा के रखा है कि मेरे पास कौन सा बेस है क्या नहीं है, और कौन से टाउन तक मिला है या नहीं मिला है, मेरा दोस्त का था तो मैंने पूछना ही भूल गया, इतना भाई बिजी रहता, तो वो कोई नहीं मैं पूछ लूँगा। तो फिलहाल तो ये वाला बेस देख सकते हो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मैक्स ही बोल सकते हो, इधर पे कुछ कम बम मतलब डिफेंस पूरा का पूरा मैक्स, वॉल भी पूरा का पूरा मैक्स भी बोल सकते हो, मतलब मैक्स ही तो मेरे को दिखाई दे रहा है। तो और मेरा 27 का ये हुआ ना बात, ठीक है। तो गोलेम छोड़ा, विच छोड़ा, विच मैंने, और एक विज आर्ट जो होता है भाई साइड का चीज़ मतलब क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ भाई, मतलब साइड में भी, और ये जो बोलार से किसी का ये अगर साइड पे एक बार अटैक एल लग गया मतलब सही से होगा ही नहीं अटैक, अगर आपका तभी हो पाएगा नहीं तो नहीं होगा। तो आप देख सकते हो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ 2x स्पीड पे, क्योंकि तो बहुत ही फास्ट चल रहा है, तो देख सकते हो भाई गोलेम के ऊपर पूरा का पूरा डिफेंस भाई लॉक भी रहेगा, ये भाई एक बहुत ही तगड़ा वाला सीन है। ये देखो ये होता है भाई जंप स्पेल डाउन ऑन लाइन का, मतलब सही से कह ही नहीं पाए और हो गया ख़त्म। इधर पे देख सकते हो भाई क्वीन भी मेरा मर गया, और जो इधर पे बॉलर है वो भाई फंस गया गोले में, वो भी फंस चुका है, और मेरे पे बचा है एक फीस पे, और वो पूरा का पूरा उइच जो है 5 मेरे को उइच दिखाई दे रहा है और 1 बोला, और देख सकते हो पाँचों का पाँचों उइच आ रहा है एक साथ, और इधर पे मैंने नहीं यूज़ किया फीस पे, क्योंकि मेरे को पता है बॉलर जो है ना बॉलर आके मार देगा, और ये जो 5 के 5 उइच है एक बार पे नहीं मार पाएगा, तो इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किया भाई, मैंने सोचा कि बस सेव कर लेता। और भाई फाइनली जो लास्ट वाला बेस है वो है भाई टाउन हॉल 11 का अटैक, वो ये भाई बेस पूरा का पूरा मैक्स आउट नहीं है, बट किंग क्वीन जो है भाई मतलब थोड़ा वो थे इसका लेवल, मतलब 16 और 29 नहीं उतना भी नहीं, बस क्वीन ही है 44 का, और इधर पे देख सकते हो डिफेंस भी भाई ऑलमोस्ट मैक्स ही बोल सकते हो, कुछ बचा नहीं डिफेंस बट वॉल बहुत कुछ बचा है। तो इस वाले इसको मैं 1x स्पीड पे ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो अटैक है भाई बहुत ही तगड़ा वाला है। तो देख सकते हो मैंने जो करता हूँ ये वाला टाउन हॉल 11 का, कि जाइंट विच और बॉलर भाई एक लाइन पे आएगा, उसके बाद भाई फिर से जाइंट आएगा मिडिल पे, बॉलर और विच जो बचा हुआ रहेगा वही आएगा, तो ये भाई बहुत ही सिंपल है अटैक। अब इधर पे मैंने फ्रीज क्यूज किया, क्योंकि भाई सिंगल इन्फिनो अगर इसके ऊपर लॉक हो गया ना तो वॉल ब्रेकर होता है, तो एक बहुत ही गलत सीन होगा, ये मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई टाउन हॉल तक मेरे को जो है ना भाई सीधा रास्ता बनाना था, और इधर पे भाई सीसी फूट ही गया अल्टीमेट, क्योंकि भाई अच्छा बात नहीं है सीसी के पास आके देखना भाई फूट जाएगा, क्योंकि भाई अच्छा बात नहीं रहा, बट फिर भाई इतना सा हो गया तो उधर का सीन जो है ना भाई एक जाम स्पेल से ही आ जाएगा, ऐसा मेरे को पता था। अब बट जो जितना ज़्यादा हो सके भाई उतना ही अच्छा है, ये तो भाई सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो भाई बॉलर जो है ना बहुत ही तगड़ा वाला गया, और इधर पे जैसे ही मैंने रेज दिया पूरा का पूरा इधर उधर जिधर का भी जो भी चीज़ था पूरा का पूरा साफ कर दिया बॉलर ने, अब सीन देखना भाई कैसा कैसा होता है सीन। इधर पे देखो मेरा क्वीन का मतलब पूरा का पूरा हेल्थ तो मतलब जा ही चुका है, वार्डन भी पीछे से आ रहा है, और इधर पे किंग आ रहा है, ठीक है, किंग का एबिलिटी यूज़ हो गया समझ लो, और एक एक्सबो के ऊपर दोनों विज मिल के भाई बहुत तगड़ा वाला दे रहा है, मतलब इतना तगड़ा वाला दे रहा है कि क्या ही बोलो, देख सकते पूरा का पूरा निकल गया, और एक क्वीन का जो था उसका एबिलिटी भी भाई पॉप अप हो गया,
अब बात ये है कि भाई कैनन जो है ना क्वीन के ऊपर ही लॉक हो रहा था, इसलिए मैंने इधर पे एक भाई फ्री स्पेल दे दिया। और क्वीन का हेल्थ देखो भाई, क्वीन का हेल्थ देख रहे हो, मतलब नहा के बराबर क्वीन का हेल्थ है। और क्वीन पूरा पीछे से जाके मार देगा कैनन को, देख लो भाई सीन देखो। बस क्वीन भाई ओपी, इस क्वीन ओपी भाई, कुछ रहो या ना रहो भाई क्वीन इज़ बहुत ही ओपी। तो भाई कमेंट जरूर छोड़ देना भाई क्वीन ओपी। तो इधर पे करता हूँ मैं क्या कीवर्ड्स, ओ अच्छे इस अकाउंट से मैं नहीं कर सकता। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा भाई एक बार ज़रूर कमेंट में छोड़ देना भाई, इसे मेरे को खुश होता है। अगर चैनल पे न्यू हो तो नीचे दाएं तरफ एक रेड वाला सब्सक्राइबर बटन है, उसको जोर से दबा दो भाई, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहना, खुश रहना। बाय बाय, जय हिंद।